हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। तो आज है शनिवार और 25 तारीख है, फरवरी की 25 तारीख है, और हम आए हुए हैं अमृता हॉस्पिटल जहां मेरा ऑपरेशन हुआ था, वहां पर जहां मैं अपना दिखा रही थी। तो आज मुझे जैसे कि 1.5 महीने के बाद उन्होंने बुलाया था, जो कि मेरी डॉक्टर हैं श्वेता, उन्होंने तो आज जो कि उन्होंने टेस्ट मुझे बोले थे सब मैं टेस्ट करवा के वहाँ पर लेके गई थी, और मेरी जितनी भी रिपोर्ट है शुगर की थायराइड की सब नॉर्मल आई है। और सैटरडे संडे जो होती है इनकी छुट्टी, तो ऑफिस का ऑफ होता है सैटरडे संडे को, तो सैटरडे वाले दिन हमारे ज़्यादातर बाहर के काम होते हैं, कि जो भी हमारा बाहर का काम होता है, डॉक्टर को दिखाना, शॉपिंग करना, ग्रोसरी घर की करनी, जो भी काम है हम सैटरडे करते हैं, क्योंकि संडे को एक तो रश ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि बंद रहती है। यहाँ पर हम आए हैं नीलम चौक, जो मेट्रो स्टेशन के नीचे ही यहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर आए हम। यहाँ पर मेरी दीदी के बेटे ने बताया था, यहाँ पर एक शॉप है जूड़ियो के नाम से है, तो वहाँ पर मतलब कि सृष्टि के कपड़े मिल जाएंगे हमारी बेटी के, तो वही हम कपड़े लेने आए हैं। और अभी तक जितने भी हम कपड़े पहना रहे हैं A to Z जितना भी है, जितने भी यूज़ कर रहे हैं, वो सब मेरी बहनों ने दिए हैं, तो वही सब यूज़ हो रहे हैं, या कुछ गिफ्ट मिले हैं वो सब। तो आप कह सकते हो कि पहली बार हम इसकी शॉपिंग के लिए आज निकले हैं। तो अब जैसे कि गर्मियाँ थोड़ी शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मियों के कपड़े हम देखने आए यहाँ पर, तो और हमें यहाँ पर कपड़े बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन जैसे कि फैब्रिक है और प्राइस है वो एकदम बहुत ही सही है, चाहे बड़े के लो, चाहे बच्चे के लो, किसी के भी ले लो, जेंट्स के, लेडीज़ के, हर तरीके, मतलब कि हर सब के कपड़े मिल जाते हैं वहाँ पर, बहुत ही अच्छे हैं, रिजनेबल प्राइस है, और फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि मतलब इसके साइज़ के कपड़े अभी नहीं मिले हमें वहाँ पर, थोड़ी सी और बड़ी होगी तो 6 महीने तक की हो जाएगी, तब बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े जो हमें वहाँ पर मिल जाएंगे, तो तब जाएंगे हम। और हमने एक ड्रेस ली है और वो दिखाती हूँ मैं लास्ट में आप लोगों को कि क्या क्या लिया है हमने यहाँ से, तो इसी व्लॉग में हम शॉपिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे कि क्या क्या हमने कहाँ से लिया है। तो अब थोड़ा सा और भी यहाँ पर आए हैं, तो चलो घूम ही लेते हैं आसपास। अभी आप लोगों ने देखे होंगे कितने बड़े बड़े से टेडी बियर है, ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े से टेडी बियर है, मोटे मोटे से अच्छे लग रहे थे बहुत ही। यहाँ पे आर्चिस गैलरी है, तो उसी इन्हीं की शॉप है ये, तो वहाँ पर जो गिफ्ट शॉप होती है वो, और यहाँ पे मैकडी है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी भूख लगी थी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें खाई, और उसके बाद शाम को हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पार्क में, सेक्टर पार्क, सेक्टर 12 का पार्क है ये, सेक्टर 12 टाउन पार्क है, वहाँ पर हम आ गए हैं शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए। तो आज का पूरा दिन तो हमारा कुछ इस तरीके से ही गया है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और ज़्यादातर सैटरडे वाले दिन हम लोग घर से बाहर ही होते हैं, बहुत कम ही होता है जो कि हम घर के घर पर हों, और संडे वाले दिन ये होता है कि जितने भी हमारे घर के काम होते हैं, क्लीनिंग का हो, कुछ भी ऐसा काम हो, तो वो हम संडे को करते हैं, क्योंकि संडे को बहुत सारी चीज़ें बंद रहती हैं, भीड़ रहती है इस वजह से। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त और फैमिली के साथ में। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में, और ज़रूर शेयर कर दिया करो एक दूसरे के पास में। तो यहाँ आई है सृष्टि की फ्रेंड उससे खेलने के लिए, तो इंतज़ार करती है ये कब उठे भाई, तो मैं कब खेलने के लिए आऊँ इसके पास। हाँ क्या हो गया भाई, इसको नीचे छोड़ने के लिए क्या मिला, भूख लगी है इसको। आज है 3 तारीख, मार्च की 3 तारीख है, और फ्राइडे है, फ्राइडे की नाइट को हम लोग मूवी देख रहे हैं गुलमोहर, और ये मूवी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इमोशनल है, बहुत हटके मूवी है एकदम, ज़रूर देखना, आप लोगों को ज़रूर बहुत पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। ये है अगला दिन सैटरडे का, तो मुझे अकाउंट खुलवाना था, तो हम आए हैं यहाँ पे बैंक में, और जो कि मेरा काम हुआ नहीं, तो अब थोड़ा सा आए हैं यहाँ पर WS में, तो चलो बाहर भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, कुछ खाएँगे पियेंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। और वैसे तो WS में जो हमारे घर के पास में ही है, यहाँ पर है ना शाम को घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में इतना नहीं, बहुत तेज़ धूप है,
और आजकल तो धूप में अभी से ही गर्मी सी थोड़ी लगने शुरू हो गई है। आगे पता नहीं क्या होगा कि इस बार लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब पड़ने वाली है, भयानक वाली। मार्च के स्टार्टिंग में ही ये हाल है, फर्स्ट वीक में ये हाल है, तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है गर्मी का। और चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ होली की भी रौनक होगी वो भी देखते हैं। यहाँ मिल रहा है होली का बहुत सारा सामान, जैसे कि पिचकारी हैं, कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं, अलग अलग तरीके की पिचकारी हैं। आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी पिचकारियाँ आने लगी हैं। और कुछ गिफ्ट आइटम भी हैं यहाँ पर, अगर गिफ्ट किसी को देना चाहो वो सब भी हैं यहाँ पे, पैकेट बना बना के रख रखे हैं यहाँ पर सबके। यहाँ पर प्राइस भी वहाँ पर लिखे हुए थे। ये है तुलसी के बहार का मैं वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, तो अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर जो है मैंने तुलसी का फ्री में कर दिया है प्रमोशन कि चलो भाई यहाँ से सामान ले लो, यहाँ पे आप सामान लोगे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं तुलसी के अंदर में, तो यहाँ पर ये बहुत रो रही थी, तो मैं चलो यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिट भी करवा देंगे तो थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे इसी बहाने। तो यहाँ पर हमें ली है पापड़ी चाट, वो भी 100 रुपये की पापड़ी चाट है जो कि बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर फिर हम खा रहे हैं बाहर बैठ के आइसक्रीम, और ये खा रहे हैं रस मलाई, इनको बहुत रबड़ी वाली जो रस मलाई है वो। और यहाँ पे मैडम देख रही है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, मुझे तो कुछ दे नहीं रहे, अकेले अकेले खाए जा रहे, तो इसकी भी गर्दन हिल रही है, तो मुझे भी दो वही खाने के लिए। अभी यहाँ मैं बैठ गई हूँ तो ये लेके आएंगे स्कूटी, तो अभी हमें कहीं और भी जाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि सैटरडे वाले दिन तो हमारा पूरे दिन ऐसा ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो यहाँ पर आए थे बैंक के लिए, वो काम तो हुआ नहीं, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट काम पे, तो वो भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैडम जो है वो सो गई है, हमें राहत मिली है कि चलो सो गई है तो अच्छे से हम घूम फिर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं डी मार्ट में, तो हमें करनी है होली की कुछ शॉपिंग, और यहाँ से कुछ और भी लेते हैं क्या क्या लेंगे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इसी व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ में। और डी मार्ट की यहाँ पर कौन कौन शॉपिंग करता है, कौन कौन इस वाले में जाता है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगता है आपको यहाँ पर आना एक्सपीरियंस। यहाँ का जो सामान है मुझे तो बहुत सस्ता लगता है, रिजनेबल प्राइस है, बहुत सस्ता भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस है, और थोड़ा डिस्काउंट भी होता है तो अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं दिखाऊंगी हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करी है आप लोगों को। एक तो पिछले शनिवार करी थी वो वाली, और जो आज शनिवार है तो आज हमने क्या क्या शॉपिंग करी है वो सब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। अभी आप लोगों को सीटी की आवाज़ आ रही है सू 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 की, तो बन रही है खिचड़ी क्योंकि बहुत थक गए हैं पूरा दिन, तो जल्दी से हम जल्दी क्या बनता है खिचड़ी बन सकती है, तो हम लोग बनाएंगे खिचड़ी, मतलब बनाएंगे क्या बन रही है खिचड़ी, तो आज का रात का डिनर हमारा खिचड़ी होने वाला है। तो चलिए अब मैं सामान दिखाती हूँ क्या क्या सामान हम लेके आए हैं आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसी वीडियो में दिखा दूंगी कि हमने सैटरडे वाले दिन शॉपिंग क्या क्या की थी। तो सबसे पहले जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जूड़ियों की, यहाँ पर लिखा भी है इनके हर कपड़े पैसे, इनका जो नाम है वो लिखा रहता है। तो ये हमने एक ड्रेस ली है, इसके साथ में ये फुल इस तरीके से ड्रेस है, लेकिन ना तो इसको ये लास्टिक है यहाँ से वो आ रही है, बहुत लूज है। और ये भी जो है ड्रेस काफी बड़ी है, तो पता नहीं कब आएगी, शायद 6 महीने की हो जाएगी तब आएगी, अभी तो बहुत लूज है ये। और ये हमने ली थी वहां से 250 रुपए की, और 250 रुपए के हिसाब से बहुत ही अच्छी ड्रेस है। देखो साइडों में भी अच्छा से डिजाइन बना हुआ है बाजू पे, और पीछे भी ऐसे बटन है जो कि बच्चों को अच्छे से आ जाएगी, मतलब की खोल के गले में फंसेगा नहीं, और बहुत ही अच्छी ये ड्रेस है। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, सॉफ्ट एकदम फैब्रिक है। और मैंने ली थी अपने लिए यहाँ वहां से टी शर्ट, ये वाली देखो, इस पे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, डबल एक्सएल का साइज लिया था ये मैंने वी गले पे। और ये ली है मैंने 200 रुपए की, 199 लिखा हुआ इस पे, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये ली है मैंने, ये मैंने 4 टी शर्ट ली है, एक मैंने यहाँ पर रेड कलर की पहन रखी है, और एक ये ली है, और एक ये है ब्राउन कलर,
ये ली है, और एक ली है मेरे ग्रीन कलर की जो मैंने कल पहन ली थी, तो वो धुलने में गई है वो। तो अब मैं दिखाऊंगी जो डी मार्ट से हम शॉपिंग करके लेके आए, हम ज्यादा नहीं ले आए, थोड़ी बहुत करके लेके आए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। और दो मैं नेल पेंट भी लेके आई हूँ ये जूडियो से ही, एक तो रेड कलर है और ये थोड़ा सा अजीब सा कलर है, ये देख लो आप कौन सा है, कौन सा कलर है ये, अच्छा इसका नाम है आइस्ड कॉफी, ये कॉफी कलर की है आइस्ड कॉफी, तो लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। दो कलर में ली है, तो मैंने इनको बोला था कि मेरे लिए पसंद कर दो कौन सी मैं लूं, तो इन्होंने कलर किया था फ्रोजी पसंद, जो मैंने लिया नहीं, लाइट सा फ्रोजी कलर था। और एक बार पहले भी लेके आए थे मेरे लिए येलो कलर, जो कि मुझे अच्छा ही लगता है येलो कलर जब मैं लगाती हूँ, और एक साथ तीन तीन शीशी लेके आए थे मोदी केयर की, तो वो भी अभी तक मेरे पास रखी है। तो मेरा रेड कलर है वो फेवरेट है, तो ये दो नेल पेंट भी लेके आई थी मैं, ये मैं लेके आई हूँ डी मार्ट से, ये शीशे के है, कांच के है, और ये है 69, इस पे रेट लिखा ही हुआ है, 2000 लेके आई हूँ मैं। और मैं मतलब कि ग्रोसरी कुछ शॉपिंग करने जाऊं जार कुछ बस ये चीज ना लेके आऊं, ऐसा हो नहीं सकता है, तो मुझे बहुत पसंद है मतलब कुछ भी डब्बे डुब्बा कुछ भी लेके आना, तो मैं दो ये लेके आई हूँ इसमें, जो कि ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। और ये है हार्पिक, ये हार्पिक नहीं है लेकिन हम लोगों को जो कि आदत हो गई है ऐसा बोलने की, आप लोगों को पता है जब हम कोलगेट बोलते हैं, कोलगेट के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन हम बोलते हैं क्या कोलगेट, उसको कोलगेट पेस्ट, तो ऐसे ही इसका नाम पड़ गया हार्पिक। ये हार्पिक नहीं यार, इसकी ना हार्पिक से सस्ता है और इसकी जो क्वालिटी भी है वो भी अच्छा है, अच्छा काम करता है। ये हम लेके आए हैं दो बॉटल, दोनों वॉशरूम के लिए अलग अलग, और एक ये काजू लेके आए हैं एक पैकेट 500 ग्राम, और ये धारा ब्रांड का हम राइस ब्रान ऑयल लेके आए हैं, ये भी हम लेके आए हैं दो पैकेट, हाँ दो ही लेके आए हैं। और ये लेके आए हैं सूजी मैदा, मैदा के दो पैकेट लाई हूँ, एक लाई हूँ सूजी का पैकेट, तो देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं, वो भी हम शेयर करेंगे। ये हमारा बिल है वो भी दिखाऊंगी लास्ट में कितने का टोटल हम सामान लेके आए हैं। ये है लाइफबॉय साबुन, जो कि मैं यूज करती हूँ अंडरगारमेंट्स धोने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी दाग हो तो इससे साफ हो जाता है, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने यूज करके देखा तो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप भी इसको उस चीज में यूज कर सकते हो। और फिर मैं इधर उधर थी तो इनको बोला कि साबुन ले आओ, या सिर्फ एक बट्टी लेके आए डिटोल की, तो मैं कहती एक कैसे भी, तो एक ही लेके आए हैं इस बार, एक थैला है वो तो हो गया है खाली, तो चलो दूसरे पिटारे को खोलते हैं हम लोग। ये है दूसरा पिटारा, तो इसमें सबसे पहले है मखाने, तो वहां पर क्या है इस खुले भी बहुत सारी चीजें, सारी दालें आपको खुली मिलेंगी और बहुत ही जल्दी वहां पर खाली हो जाता है सामान, ऐसा नहीं कि खराब सामान मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इस तरीके से भी, और थोड़ा सस्ता पड़ता है पैकेट से। तो ये मखाने लेके आए हम, और इस बार हम कोई भी दालें लेके नहीं आए, तो थोड़ी बहुत दालें हमारे पास रखी है, तो पहले मुझे लगा वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम और सामान अगले महीने लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा बजट जो है वो बहुत ज्यादा डगमगा चुका है इस वजह से। लेके आए हैं लिक्विड डिटर्जेंट, जो कि हमारी वॉशिंग मशीन में ही काम करेगा, और ये हम स्पेशल अपनी गुड़िया के लिए लेके आए हैं, अपनी बेटी के लिए, उसके कपड़े हम इसी में धोएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धो देते हैं थोड़े से इकट्ठे करके, एक दिन में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं उसके, तो उसके लिए हम ये लेके आए हैं। और डी मार्ट जाए हम ये ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये है चने के पैकेट दो लेके आए हैं। और ये लेके आए इतना बड़ा सा क्रैक जैक का बिस्कुट का पैकेट, फैमिली पैक है ये, और टीवी देख रहे तो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ये तो बहुत जल्दी हमारे घर में खत्म हो जाता है। और एक ये लेके आई हूँ छलनी चाय छानने के लिए, मेरी दूसरी थी वो थोड़ी सी गंदी गंदी सो रही है, तो मुझे वो चेंज करनी है, तो ये लेके आई हूँ मैं एक। और अब मैं दिखाती हूँ कपड़े, हम कपड़े जो है बहुत सारे कपड़े खरीद के लेके आए हैं अपनी बेटी के लिए, तो उसके लिए एक ये टॉवल लेके आए हैं, कॉटन का टॉवल है,
देख सकते हो आप, ये तो अच्छे से पूछने में काम करेगा। इसका जो प्राइस है वो है 179, इसका प्राइस है 179। तो ये एक टॉवल लेके आए हैं उसके लिए, ये है 25 का, यहाँ पर प्राइस भी लिखा है 25। ये लेके आए हैं, बहुत सॉफ्ट सा है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, मैं पहले भी बोला है, और तो उसी हिसाब से हम सारे गर्मियों की टी शर्ट लेके आए हैं। उसके लिए एक टी शर्ट ये लेके आए हैं, इस पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके का डिजाइन है। अब देखते हैं उसको, ये कपड़े आते हैं फिट नहीं आते हैं, और छोटे बच्चे का मतलब खरीदने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, जो कि थोड़ा हेल्थी हो तो ठीक है, अगर थोड़ा सा कमजोर है तो भी बड़ी दिक्कत होती है। ये है 99 की एक टी शर्ट, ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसके ऊपर, आइसक्रीम का कप में आइसक्रीम है। और जो कपड़े की क्वालिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है। बच्चों को बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े पहनाने चाहिए, और एक बार हम पहले वॉश करके तभी इसको पहनाएंगे, ऐसे नहीं कि खरीद के लेके हम पहना देंगे। एक ये टी शर्ट लेके आए हैं, इसका प्राइस क्या है भाई, इसका भी 99 है। जितनी भी हमें टी शर्ट दिखा रही हूँ सब शायद 99 ही है, ये देख सकते हो आप। एक ये रेड कलर में टी शर्ट देख सकते हो आप, ये भी 99 में है। तो फिर एक ये टी शर्ट देख सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जो जैकेट लग रहा है ना, अलग से एक जैकेट भी बनी हुई है, इसका प्राइस शायद अलग है, इसका है 149, यहाँ पर लिखा है 149 इसका प्राइस है। इस पे लिखा है 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए ये। और ये है एक टी शर्ट, ये है 99 की। और छोटे छोटे कपड़े देखने में मजा आता है, और कितने क्यूट क्यूट से कपड़े हैं, ये शायद हमने सेम ये प्रिंट अलग है। एक ये ली है, ये है 129 की, इसका थोड़ा अलग है प्राइस 129। एक है ये ब्लैक कलर की, इसका भी है 99। तो कुछ ही हमने कॉटन में जो है हाफ पैंट ली है, और इसका प्राइस है 59 रुपीस की है। आप देखो कॉटन कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है, प्रिंट भी देख सकते हो कितना सुंदर इसका प्रिंट बना हुआ है। और एक और हमने ये ली है, ये भी 59 की है। और ये है, ये 39 की है, ये थोड़ा सा दूसरा कपड़ा है तो सॉफ्ट में, लेकिन कॉटन में थोड़ा मिक्स जैसे बोल देते हैं वो है, ये जैसे बनियान का कपड़ा होता है, जैसे जेंट्स बनियान का कपड़ा होता है, वो वाला है इसका फैब्रिक। और ये हमने फुल पैंट लिया है, तो फुल पैंट हमें समझ नहीं आ रही थी इसको आएगी नहीं आएगी, तो हमने ज्यादा ली नहीं है, शायद एक दो ली है। इसका प्राइस है 79 रुपीज। और एक ये हाफ पैंट है, इसका प्राइस है 39 रुपीज। सोचो 40 रुपए में एक कमी है। और ये हमने उसके लिए बनियान ली है वहां से, 79 रुपीज की एक बनियान है, ये थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे के कपड़े भी क्या है, एक बनियान के कपड़े कितने महंगे आते हैं, 79 रुपीज का। एक ये है, और ये है एक टॉवल, ये 10 रुपए का है, ये वाला एक टॉवल लिया है उसके लिए। एक ये लिया, ये भी 10 का है। और एक ये लिया है, ये भी 10 रुपए का है। और एक ये बनियान है, प्रिंट सारे कलर कितने अच्छे अच्छे हैं, प्रिंट भी अच्छे अच्छे हैं सबके। और एक ये टॉवल लिया है यहाँ पर, ये देख सकते हो इसका क्या प्राइस है लिखा होगा इस पे भी, ये है 29 रुपीज का, ये 29 रुपीज का है, ये लिया है। और एक टी शर्ट और रह गई है इसकी, तो ये है एक टी शर्ट। और कलर कितना प्यारे प्यारे हैं सबके,
कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सबके। ये भी 99 की है, क्योंकि मैं इसको लेके बैठी हुई थी तो इन्होंने सब लिए हैं, तो मैं भी अभी देख रही हूँ। और ये मैं थोड़ा किचन के लिए लेके आई हूँ एक टॉवल, ये देख सकते हो। इसका प्राइस है ये 15 रुपए का है, जैसे तो इतना बड़ा है 15 रुपए में। बस इसका कलर नहीं निकलना चाहिए, वैसे तो निकलेगा नहीं। तो यही हम लोग सामान लेके आए हैं इस बार, जो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फैला के बैठ गई हूँ। अब इसको इनकी जगह पे रखना है सारा सामान। तो चलिए भी हमारा बिल है जो कि आया है 3485, इतने का। और वैसे मैंने सोच रही थी कि 2000 रुपए से ज्यादा हमें शॉपिंग नहीं करनी है, हर मंथ की 2000 रुपए ही पे करनी है, उससे ज्यादा नहीं लेना है सामान। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।